हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन पुलाव, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगने वाला है और एकदम फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं डाल देती हूँ तेल। तो तेल थोड़ा गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने खड़े गर्म मसालों में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, शाहजीरा और तेज पत्ते ले लिए हैं। तो इन्हें हम थोड़ा क्रैक होने देते हैं। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े ये चिटक गए हैं। इसके बाद मैंने ये दो मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया था, तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें हल्का गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। सो फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की फ्राई हो गई है। तो ये देखिए, बस इस तरीके से आपको इसे गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा आप इसे फ्राई ना करें। इसके बाद मैं इसमें चिकन पीसेज ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने सारे चिकन पीसेज इसमें ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमें चिकन को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। तो लगभग 10 से 15 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। तो मैं इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 10 मिनट में ही ये चिकन अच्छा फ्राई हो चुका है। देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। तो ये देखिए, तो अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। मैंने लगभग 5 हरी मिर्चें ले ली थी और अदरक लहसुन था, तो मैंने साथ में ही उसे पीस लिया था। तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसे ढककर 5 मिनट पका लेती हूँ। तो ये देखिए, चिकन और मसाले हमारे अच्छे से भुन रहे हैं। तो अब इसके बाद में इसमें गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है और मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और दही ऐड कर दिया है। तो इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया है मिक्स। अब मैं इसे भी 5 मिनट के लिए ढककर ही पकाऊंगी। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर देती हूँ और ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इन्हें भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इसके बाद मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर देती हूँ और इसे भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसे भी बस 2 मिनट और पका लेंगे हम ढककर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अच्छे से भुन चुकी हैं। तो अब इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं 1 गिलास का 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो 3 गिलास का मैं 4.5 गिलास पानी डालूँगी इसमें। तो ये देखिए, ये मैं इसमें 4.5 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब तो बस ढककर इसमें बॉईल आने देते हैं। तो ये देखिए, बॉईल आ चुका है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने केसर कली चावल ले लिए हैं, आप चाहे तो बासमती चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया था, तो चावलों को मैंने धोकर इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, अब इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो आप इस स्टेज पे नमक इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देती हूँ और पुदीना और हरे धनिया बारीक काट कर मैं इसमें डाल दूँगी और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बॉईल इसमें आ रहा है तो इसे हम ढककर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे इसे और पकने देते हैं। तो ये देखिए बीच बीच में आप इसे चलाते जाएं। तो ये देखिए फ्लेम अभी हाई पर ही है तो बस आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते जाएं और पकने दें आप इसे। तो ये देखिए पानी कम होने लगा है इसमें। तो अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच घी ऐड कर दूंगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अभी मैं फिर से इसे ढककर ही पकाती हूँ ऐसे ही। तो ये देखिए पानी काफ़ी कम हो गया है तो बस अब हम इसे दम पर रख देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसे ढक्कन ढक दूंगी और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम पर होने के लिए रख देती हूँ। आप चाहें तो किसी तवे के ऊपर भी रख सकते हैं बट मैं अभी इसे ऐसे ही रख रही हूँ, मैं इसे तवे पर नहीं रख रही हूँ। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं तो ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। इसे मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं चावल हमारे, तो पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स चिकन पुलाव बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स चिकन पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना था और एकदम फटाफट बन गया था, तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।